15 फैक्ट्स अबाउट कुंग फू पांडा 3 जो कि शायद तुम्हें पता हो। लाइक इस मूवी के विलन को आज हम काय के नाम से जानते हैं। कौन? काय, जनरल काय। बट ओरिजिनल इस कैरेक्टर का नाम था टियन शाह। इसको इस मूवी के चाइनीज डब में काय की जगह टियन शाह ही रखा गया है, जो कि तुम्हें कुंग फू पांडा 3 के चाइनीज डब ट्रेलर में भी सुनने को मिलेगा। एंड मूवी में हमें बताया जाता है कि कैसे काय ने अगुए के साथ मिलकर लड़ाइयां लड़ी हुई हैं। बट अगर तुम नोटिस करोगे तो उन्हें विजुअली भी दिखाया गया है, क्योंकि काय के पूरी बॉडी पे बैटल मार्क्स बने होते हैं, जो कि बहुत ही कमाल की अटेंशन टू डिटेल है। और इस फ्लैशबैक सीन में मैंने एक बहुत ही कमाल की डिटेल नोटिस की कि जब यहाँ अगुए ने काय को एक साथ में लड़ते दिखाया जाता है तो उस टाइम इन दोनों के कलर्स भी सेम होते हैं, लाइक यहाँ पे येलो और नेक्स्ट सीन में व्हाइट। बट जब ये दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं तो उस टाइम इन दोनों के कलर्स भी चेंज हो जाते हैं, जिनमें उगवे हो जाता है येलो एंड काय हो जाता है ग्रीन। और सिमिलर दिखाया गया है इस ओपनिंग सीन में भी, जिससे कि यिन यांग को रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड मूवी में काय की ग्रीन आईज होती हैं, जो कि चाइनीज लेजेंड्स के अकॉर्डिंग दिखाई गई है, क्योंकि चाइनीज लेजेंड्स के हिसाब से ग्रीन आईज का होना बहुत ही बुरा माना जाता है। वेल, इस मूवी से पहले तक सिर्फ हमें एक ही पांडा देखने को मिलता था, बट इस मूवी में उनका एक पूरा गाँव देखने को मिला है। और ये पता लगाने के लिए पांडास एक्चुअल में रहते कैसे हैं, तो फिल्म मेकर्स चाइना में जेंगडू नाम की सिटी में गए थे, जहाँ पे सबसे ज्यादा पांडास पाए जाते हैं। और वहाँ पे फिल्म मेकर्स ने नोटिस किया कि पांडास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घूमते हुए या लौटते हुए जाते हैं, और वही एग्जैक्ट चीज हमें पांडास को इस मूवी में करते दिखाया गया है। पांडास चलते नहीं है, लौटते है। इस सीन में उगवे पो को अपनी छड़ी को देते हुए कहता है, नहीं मैं ये नहीं ले सकता, तुम्हारा हक है इस पर, मेरे पास इससे बड़ी है। और एंड क्रेडिट्स के बाद जब उगवे की फोटो दिखाई जाती है तो उसके हाथ में वाकई एक बड़ी छड़ी होती है। वो और उसका डैड पांडा विलेज में जाते हुए इन दो बड़े पत्थरों को क्रॉस करते हैं, और इन्हीं सेम पत्थरों को श्रैक एंड डोंकी ने श्रैक मूवी में क्रॉस किया था, जो कि ड्रीमवर्क्स की ही मूवी है। काइन स्पिरिट रियल्म में ऑलमोस्ट सभी मास्टर के चीज स्टोन्स को इकट्ठा किया होता है, जिनमें से कुछ को एज ज़ॉम्बीज यूज भी नहीं करता, जिनमें से एक होता है टाई लंग। और काइन इस मूवी में टाई लंग को एज ज़ॉम्बी यूज क्यों नहीं किया, तो ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। आई थिंक जैसे टाइलंग का एक ईस्टर एग हमें सेकंड मूवी में देखने को मिला था, तो वैसे यहाँ भी उसे सिर्फ एक ईस्टर एग के तौर पर यूज किया गया है, क्योंकि टाइलंग वन ऑफ द मोस्ट फैन फेवरेट कैरेक्टर है। एंड टाइलंग एक तरह से सभी कुंग फू पांडा मूवीज में अपीयर हो चुका है, लाइक फर्स्ट मूवी में तो वो मेन विलन होता ही है, सेकंड मूवी में इसे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है और इसका एक ईस्टर एग, एंड थर्ड मूवी में पो के पास टाइलंग का एक टॉय होता है और काय के पास उसका चीस्टोन, और आगे फोर्थ मूवी में भी टाइलंग अपीयर होने वाला है। और अब तक ये तीनों कुंग फू पांडा मूवीज में हर एक विलन ने डिफरेंट चैलेंजेस को रिप्रेजेंट किया है, लाइक फर्स्ट मूवी में टाइलंग होता है अनस्टॉपेबल फोर्स, जिसे कोई भी रोक नहीं पाता। सेकंड मूवी में लॉर्ड शेन दिखाता है अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, और इस थर्ड मूवी में काय दिखाता है अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को। और ये डिटेल मैंने अपनी फर्स्ट कुंग फू पांडा वाली वीडियो में बताई थी, बट एक बार मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि फर्स्ट मूवी में पो ने अपने ड्रीम में जो कॉस्ट्यूम पहनी होती है, तो वही सेम कॉस्ट्यूम पो यहाँ स्पिरिट रियल में पहनता है, और काय की इंस्पिरेशन भी पो के ड्रीम में दिखाए गए इस विलन से ली गई है। और हालांकि काय को इस मूवी में हमें सिर्फ दो आर्म्स के साथ दिखाया गया है, बट इस कैरेक्टर का ओरिजिनल डिजाइन कुछ ऐसा था जिसमें इसे फोर आर्म्स के साथ दिखाया जाता, और इसके हॉर्न्स भी डिफरेंट होते। और इस कैरेक्टर डिजाइन के साथ काय फोर आर्म्ड याक डीमन गॉड ऑन फायर के नाम से भी जाना जाता। तो तुम्हें इनमें से काय का कौन सा डिजाइन अच्छा लगा, दो हाथों वाला या चार हाथों वाला, कॉमेंट्स में जरूर बताना। मूवी में जो ग्रीन ज़ॉम्बीज देखने को मिले हैं तो इन्हें डिफरेंटली एनिमेट किया गया था बाकी कैरेक्टर्स से, क्योंकि नॉर्मली एक सेकंड के एनिमेशन में 24 फ्रेम्स होते हैं, जिनसे कि हमें इन कैरेक्टर्स की मूवमेंट्स इतनी नेचुरल लगती है। बट ज़ॉम्बीज को एनिमेट करने के लिए पर सेकंड 24 से कम फ्रेम्स का यूज किया गया था, ताकि इनकी मूवमेंट्स नेचुरल ना हो के बिल्कुल डेड ज़ॉम्बीज की तरह ही लगे। और ऐसा एग्जैक्ट किया गया था माइल्स मोरेल्स के कैरेक्टर के साथ स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी में, इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। और जब इन ज़ॉम्बीज के जरिए हमें काय को दिखाया जाता है तो उस टाइम उसके पीछे एक शिप होती है, और बाद में क्रेन एंड मेंटिस को काय एग्जैक्ट इसी लोकेशन पे ही मिलता है। और एक एनिमेटेड मूवी के हिसाब से कुंग फू पांडा 3 मूवी के बहुत ही सारे रिलेटेड सीन्स हैं, जिनमें एक में मास्टर शिफू गर्लफ्रेंड बनाने की बात करता है। Or a girlfriend. एक सीन में फ्यूरियस 5 पो को उसकी पैंट के बिना देख लेते हैं, बट मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूँ इस वाले सीन की, जिसमें काय पो को बहुत ही बुरी तरह पीट रहा है। आई मीन जस्ट इमेजिन कि अगर मूवी में ये वाला सीन होता और ऊपर से काय का थीम सॉन्ग बजता, जो कि बहुत ही ऑसम है बाय द वे, तो मजे ही आ जाते। बट मूवी में इसके जगह फाइट के नाम पर हमें सिर्फ कॉमेडी देखने को मिली है। और आगे कुंग फू पांडा 4 की फैक्ट्स वीडियो भी आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड कुंग फू पांडा 1 एंड 2 के फैक्ट्स जानने के लिए तुम मेरे इन वीडियोस को देख सकते हो, जो कि आई एम श्योर तुम्हें डेफिनेटली पसंद आएंगे।